नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे तरीके से अगर आप इस तरह से पोट्स में प्लांट्स लगाते हैं तो काफ़ी हद तक आपको जो पोट्स की कमी महसूस नहीं होगी और आपके गार्डन हरा भरा रहेगा और खूब सारे जो प्लांट्स फूल पौधे जो आपके तैयार हो जाएंगे। तो वैसे विंटर में तो मैंने कई बारी बताया कि किस तरह से दो तरह के प्लांट्स मैं लगाती हूँ। तो छोटे छोटे पोट में जैसे विंटर वाले हम एक लगाना पसंद करते हैं, तो पौधे की हाइट देख के या किस तरह का पौधा होता है उसी तरह का देख के। तो समर वाले जो अभी समर के लिए भी लगा सकते हैं और मॉनसून के लिए भी, विंटर से पहले तक के लिए आप ये किस तरह से छोटे छोटे पोट्स में या बड़े पोट्स में अपने देख लें, अपना हिसाब किताब देख लें किस तरह के पोट्स हैं, तो आप ये कर सकते हैं और लंबे टाइम तक आपके गार्डन में फूल बने रहेंगे। तो ये मेरे गार्डन में आप बिंका लगे देख रहे होंगे, तो जहाँ कहीं भी जगह मिलती है तो ये जैसे साइड में जगह बनी है तो ये मैंने मोस रोज़ का यहाँ पे लगा दिया है। तो एक दो कटिंग और भी लगा दूँगी टाइम के साथ साथ, ये खूब सारे बरसात के टाइम अभी फैल जाएंगे और ये पोट ऊपर से तो भरा रहेगा फूलों से और ये नीचे से भी ये पूरा भर जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो कुछ मैंने ये 10 इंची के पोट में मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं, तो ये मेरे चलना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने नेट के थोड़ा सा साइड में जहाँ पे धूप आती है वहाँ पे इन्हें अब रख दिया है, बिल्कुल छाया वाली जगह से निकाल के। तो ये साइड साइड में अब मैं इनके वो लगाने वाली हूँ, मोस रोज़ लगाने वाली हूँ। तो ज़्यादा खुराक की उन्हें ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी खुराक में भी चल पड़ते हैं। तो इसी तरह से ये हमारा बहुत ही खूबसूरत जो प्लांट है, वाइल्ड पॉइंसेटिया भी कह सकते हैं, समर पॉइंसेटिया भी इसे कह सकते हैं। तो ये बहुत लंबे टाइम परिनियल वाले हैं, ये कभी एक बारी लगाओ तो ख़त्म ही नहीं होते और गार्डन से ये निकाल के फेंकने पड़ते हैं, कोई ख़ास केयर नहीं। तो ये इनको जैसे मैंने ये राउंड शेप वाले पोट में ये लगा दिया है और ये सारी कटिंग्स मैंने ये लगा दी है। और जैसे ही अब ये चलना स्टार्ट हो गई है और जैसे ही मौसम थोड़ा बरसात का बनेगा, मॉनसून आएगा, उससे पहले ही ये बहुत अच्छे से घने हो जाएंगे और पूरा ये ढक देगा इसको। तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत फिर लगने वाला है। तो जैसे जैसे मैं तैयारी कर रही हूँ तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ, ताकि आप अगर इस तरह से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये मेरा ग्लाडिया लगा है, तो इसकी छोटी छोटी कटिंग्स मैंने ये साइड में लगा दी है। और ये बिंका के मैंने जो ट्रांसप्लांट किए हैं तो ये चलना शुरू हो गया, अब एक कटिंग लगाई, अभी एक दो और लगाऊंगी साइड में ताकि ये खूब सारे फैल जाएं। और इसमें भी मैंने एक पौधा ये लगा दी है और मैक्सिकन पिटूनिया वाले में, और साइड में ये लगा दूंगी और ये कहीं भी चल पड़ती है। और वैसे ही ये वाइल्ड पॉइंट सिटी एक प्लांट ये लगा दिया, लंबे वाले भी हो जाएंगे और नीचे ये भी आपको दिख जाएंगे भरे हुए। तो ये मेरा कुछ बड़े साइज़ का 8 इंची का पोट हुआ, तो इसमें भी मैंने बिंका लगा दिया है और ये साइड में चलना शुरू हो गए हैं। तो टाइम के साथ फिर ये पूरे मेरे भर जाएंगे। और तो और मैं ये भी तरीका करती हूँ, ये 10 इंची वाला पोट है तो इसमें ये मैंने लगा दिया है और कुछ साइड में लगाऊंगी, और इसमें मैंने कोक्सकॉम का ये बीज सीधे फूल ऐसे डाल दिए हैं और ये निकलना भी शुरू हो गए हैं। तो फिर कोक्सकॉम के मैं चाहूँगी जितने प्लांट्स रखना चाहूँगी तो फिर ट्रांसप्लांट नहीं करूँगी, तो इसमें एक दो जो रखना चाहूँगी तो इसी में रहने चलने दूँगी और साइड में मेरे ये भी पूरे टाइम के साथ साथ तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह के मैंने छोटे छोटे पोट्स जो खूब सारे, जिनमें किसी में मैक्सिकन पिटूनिया लगा लिया है, चाहे तो इकट्ठे आप लगा लें, चाहे तो कोई एक आधा प्लांट चल पड़े तो फिर आप बाद में लगा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट रोज़ तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो अब खूब सारे पोट हैं, जैसे जैसे मेरे ये मोस्ट रोज़ के बढ़ते जाएंगे मैं पिंचिंग करूँगी, पिंचिंग भी हो जाएगी और जो कटिंग होगी तो उसको फिर मैं ऐसे ग्रो कर दूँगी। तो हमारे फिर कुछ जो पहले लगाए होंगे पहले फूल आते रहेंगे और बाद में जो तैयार रहेंगे फूल, अगर नहीं भी आएंगे तो हरे भरे तो रहेंगे। हाँ, फूल आएंगे अगर बाद में आएंगे, पर तब तक वो हरे भरे तो बने ही रहेंगे। इसी तरह से ये मेरे पास एक बास्केट है छोटी, वही 10-20 रुपए वाली, तो इसमें मेरे ये बिंका चल रहे हैं और कुछ एक दो मैंने ये बड़े ये समर पॉइंट सिटिया के रहने दिए हैं। और साइड में मैंने एक ये लगा दिया है पर्सलिन का, क्योंकि पर्सलिन को थोड़ी ज़्यादा खुराक चाहिए होती है, जैसे मोस रोज से थोड़ी सी ज़्यादा, तो एक ही साइड इसको चलने दूंगी। तो क्योंकि
इसमें फिर इतने सारे नहीं चल पाएंगे, तो कुछ एक फूल तो इनमें आएंगे ही, तो इतना बड़ा ये प्लांट मेरा हो गया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जिन मेरे बहन भाइयों ने इस तरह से पॉट्स में, छोटे छोटे पॉट्स में या बड़े पॉट्स में ग्रो कर रखे हैं, तो वो मॉनसून गार्डन के लिए इस तरह से प्लांट्स तैयार कर सकते हैं और विंटर से पहले तक ये सब खिलते ही रहते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।